दोस्तों, केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान का निधन हो गया। वो 74 साल के थे और लंबे वक्त से बीमार चल रहे थे। वहीं पर पासवान की पहली पत्नी राजकुमारी देवी को भले ही तलाक दे दिए थे वो, लेकिन वो आखिरी दम तक उनके लिए फिक्रमंद थी। पिछले साल लोकसभा चुनाव के वक्त जब वो बीमार थे तब भी वो चिंतित थी। राजकुमार देवी ने चिंता जाहिर की थी और कहा था कि इतना मेहनत करते हैं और स्वास्थ्य पर इनका बिल्कुल ध्यान नहीं रहता है। राजकुमार देवी को जब से रामविलास पासवान की निधन की खबर मिली है तब से उनका रो रो कर बुरा हाल हो गया है। वह खुद पहले से ही बीमार चल रही थी। दोस्तों, हाल के ही सालों में पहली पत्नी की बेटी और दामाद ने रामविलास पासवान के खिलाफ खुला मोर्चा भी निकाला था। बड़ी बेटी आशा ने तो सार्वजनिक मंच पे रामविलास पासवान पर आरोप लगाया था कि उनकी मां अनपढ़ थी, इसलिए पासवान ने उन्हें छोड़ दिया था। दोस्तों, भले ही रामविलास पासवान ने अपनी पहली पत्नी राजकुमार देवी को तलाक दे दिया था, लेकिन उन्होंने अपना कर्तव्य में चढ़ा हुआ उन्हें आखिरी सांस तक उनकी सेवा करते रही और हमेशा उनका ख्याल रखती थी। तो दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे चैनल से जुड़ी हर खबर आपको मिलती रहे।